out again. सो हेलो गाइज, मेरा नाम है वैसा माद और वेलकम टू माई चैनल एंड्रॉइड 966। सो गाइज़, आज ना मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ना एक काफ़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू ऐड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिवाइसेस एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो लाइक उसके अंदर ना एक मैंने थीम यूज़ की थी, तो वो थीम ना जो थी वो ओप्पो वगैरह में यूज़ होती थी, ओप्पो और रियलमी में। तो वो अब उस थीम को उन्होंने बंद कर दिया है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को मसला आ रहा था। उस समय मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ ओप्पो और रियलमी डिवाइसेस पर सिर्फ हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो आज ट्रिक बताऊंगा ये आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होने वाला है ये आप किसी भी डिवाइस पर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपका ब्रांड क्यों ना हो। जिसके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है वो इसे यूज़ कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ओप्पो की डिवाइस है, ओप्पो F9। यहाँ पे फिंगरप्रिंट बैक पे है इसका, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इन डिस्प्ले इसके ऊपर, और ये रियली वर्क करेगा। आपको मैं इसको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, तो प्रीव्यू भी दिखाऊंगा आपको, ये बिल्कुल वर्क करेगा। और आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी अगर देख ली तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस में। और फिर मैं आपको स्टार्ट पे बता दूँ, जस्ट ये एक ट्रिक ही होने वाली है, लेकिन ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, एग्जैक्टली सेम वर्क करेगी, तो आप देख ही सकेंगे। मैं अभी आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को हम हार्डवेयर के थ्रू ऐड करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो ट्रिक लेके आया हूँ ये आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में बेल आइकन का होता है उसको भी आप प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का अपडेट आपको देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ आप मुझे मेरे चैनल के साथ साथ आप मेरे सोशल मीडिया पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ चैनल रिलेटेड। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इसे शेयर भी कर देना। तो वीडियो अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले ना एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम होगा टच लॉक स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन सी ऐप है। टच लॉक स्क्रीन आपने लिखना है यहाँ पर, तो आपको वो शो हो जाएगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जोन सी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये वाली एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। चूँकि मैंने इसे डाउनलोड कर ली है तो मैं सिंपल इसे ओपन करूँगा। तो ओपन करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूँ, आपने ना जो अपना मोबाइल है ना, मोबाइल आपने उसके अंदर जो ये आपको मिलता है ना लॉक स्क्रीन, जो आपने वैसे लॉक स्क्रीन लगाई होती है जैसे ये है, अब इसको लॉक स्क्रीन है ना, ये लॉक स्क्रीन आपने इसको पहले ख़त्म करना है, बिल्कुल इसे ख़त्म कर देना है। ये लॉक स्क्रीन ख़त्म करेंगे तो फिर वो काम करेगी, वैसे भी काम करेगी लेकिन प्रोफेशनल वे में हमने इसे यूज़ करना है, तो इस लॉक स्क्रीन को आपने ख़त्म करना है। लॉक स्क्रीन जो आपने ख़त्म करनी है, तो आप वैसे ही अपना फिंगरप्रिंट वगैरह, फेस अनलॉक, पासवर्ड, जैसे भी आपकी सेटिंग के अंदर है, आपने वहाँ से लॉक स्क्रीन पासवर्ड आपने ख़त्म कर देना है। तो मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपके साथ मिलता हूँ। तो अब मैंने इसका जो फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें इसकी मैंने बंद कर दी हैं। आप यहाँ पर देखें तो इसको मैं अगर बंद करता हूं तो ऑन करता हूं, यहां पे कोई भी किस्म का पासवर्ड नहीं मांगता और ये ऑन हो जाता है। तो ये हो गया, आपने ये काम कर लेना है। तो ये बेसिक पार्ट था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को आपने डाउनलोड करके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हम यहाँ पर ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन होती है तो आपने इसकी कुछ परमिशन को इनेबल करना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करके आपकी डिवाइस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका एंड्रॉयड 9 या 10 पे वर्क करना चाहिए, तो थोड़ा सा फिर आपका ये ट्रिक काम करेगी। तो 8 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास एंड्रॉयड 10 पे ये वर्क कर रही है डिवाइस, तो इसलिए थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने परमिशन को अलो करना है, उसके बाद आपने ये लॉक वाले बटन पे है, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ना कुछ वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर प्री अप्लाइड वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने जो आज की वीडियो में बात करनी है वो है जी इन डिस्प्ले आपने वॉलपेपर डाउनलोड कर लेने हैं। बहुत इजी है, आप गूगल पे जाएं, वहाँ से इन डिस्प्ले लिखें वॉलपेपर्स, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो कुछ अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो मसला कोई नहीं, आपको वैसे गूगल से मिल जाएंगे, आप अच्छा सा ढूंढ लेना। तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे।
सो अब आपने ना करना क्या है, यहाँ पे आपने वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये परमिशंस जो है ये इसको इनेबल करना पड़ेगा। जो ऐप है ना आपकी टच लॉक स्क्रीन, इसको आपने इनेबल कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से बैक कर देना है। बैक करेंगे बेसिकली आपको ना वॉलपेपर पे क्लिक नहीं करना, आपको ना कैमरे पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने अपना गैलरी से डालना है। तो हम कैमरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने गैलरी पे चले जाना है। गैलरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स जो आपने करना होगा, डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीन तरह के कुछ लिए हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे, तो यही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ये अगर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं अगर लूँ, अब ये देख सकते हैं इस तरह का हमारा ये वॉलपेपर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे इन डिस्प्ले का साइन होगा, ये इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये काम करेगा। तो इसको अब हम यहाँ पे आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर लें, लेकिन मैं इसे यहाँ से डन कर देता हूँ। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से मेन अब आपने चेक करना है, क्योंकि ये काम की चीज़ है। इसमें आपने करना है कि आपने ना जो टच करना है ना, जिस चीज़ पर टच करना है वो आपका फिर पासवर्ड बन जाएगा। यानी ऐसे आप अगर इसके ऊपर टच करते हैं ना, पहला पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, तो अब जैसे ही आपकी लॉक स्क्रीन होगी आपने पहले इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, टू वन नंबर वन पे पहले क्लिक करेंगे, फिर नंबर टू पे, फिर आपकी लॉक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अब हमने इन डिस्प्ले को यूज़ करना है, तो इन डिस्प्ले पे हम करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रीडू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखे मैं करता क्या हूँ, आपने ना देख लेना, मैं पहले सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट पर कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये मेरा वन पॉइंट आप देखें और टू पॉइंट देखें साइड पे मैंने रखे हुए हैं। आप इनको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अब साइड पे, अब जब मैंने ये लगा लेना है ना पासवर्ड, तो ये साइड पे जो होंगे तो मैंने इनके ऊपर ही क्लिक करूंगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आप पॉइंट यहाँ पे टू पॉइंट रख सकते हैं, टू से फोर तक, तो मैं टू ही रखूँगा, ज़्यादा हमने करना नहीं। तो इससे ये होगा कि अगर आम जो इन डिस्प्ले अगर हम थीम वगैरह यूज़ करें, वो तो कोई भी यूज़ करता था तो वो ऑन हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला। ये आपको ही पता होगा क्योंकि आपने पोजीशन सेट की हुई है, ये वाली पोजीशन है, तो आपने इनके ऊपर क्लिक करना, किसी और को अगर कोई ट्राई भी करेगा उसके ओपन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपने सिंपल जब जैसे ही आपने कर लिया है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे पिन जो है वो हम लगा लेते हैं, वन टू और थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। सो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं। तो फेवरेट मूवी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जी ए है, सबमिट, ओके। तो यहाँ पे अब हमारी हो गई है यस बटन, तो यस हम करेंगे तो ये हमारी वहाँ पर लॉक स्क्रीन अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे ट्राई भी करके देख लेते हैं जी, लॉक स्क्रीन कैसा हमारा लग चुका है। तो इसे हम बंद करते हैं, तो ये आप देखें ऐसे हम इसको करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आ चुकी है हमारे डिस्प्ले के ऊपर। तो आप कोई भी इसे ट्राई करना चाहेगा तो वो अब इसे ट्राई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये देखें मैं इसी फिंगर से या कोई भी और फिंगर से, इससे भी करूँ, इस फिंगर से अगर मैं यहाँ पर करूँ ऐसे, तो ये कह रहा है, ये आपने देखा श्रिंक किया है, तो इसने बताया रॉन्ग पासवर्ड। इससे भी मैं करूँ, ये देखें इसने भी, लेकिन हमने जो पोजीशन सेट की है हमने वो ही चूज़ करनी है, तो ये ओपन होगा। तो किसी और को तो नहीं पता, हमें पता है। मैं यहाँ पे पोजीशन सेट करी हुई है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये देख सकते हैं हमारा लॉक स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो मैं अब मुझे लग रहा है आपको ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर लगी होगी, क्योंकि ये ट्रिक यार काफ़ी कमाल की होने वाली है। अब आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। हमें यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूज़ चाहिए इस वीडियो पे, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बना के दिखाई है। तो जो पहले वीडियो थी वो तो थोड़ी सी आप देख सकते हैं उसके अंदर आप वो काम नहीं करती, लेकिन अब ये वीडियो काम करती है। अब आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने हर डिवाइस के ऊपर ट्राई करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी वीडियो लगी है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूँ। तो पहले आपने इस तरह ओपन करना है, ये आपका पासवर्ड यहाँ पर आ जाना है, ये इसने तब तक ओपन नहीं होना जब तक यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट लगना नहीं। फिंगरप्रिंट भी है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी है। तो यहाँ पे आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं, वो कहेगा यार ये देखो फिंगरप्रिंट पर तो तुम्हारा पीछे है, सामने कैसे आ गया डिस्प्ले। तो इस तरीके से उसको आप भी परेशान कर देना। तो बस यार यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी तो ज़रूर लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक थी। तो बाकी चैनल पे देखो यार जाके, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो अगर आपको कोई अच्छी लगती है वीडियो तो वो भी देख लो, और बाकी सोशल मीडिया फॉलो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो कर देना यार सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बस मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।